Subscribe now and press the bell icon and never miss an update from Oops TV. Below two aage. So aage is on. Today I'm making vegetarian Indian masala pizza for my younger brother Umesh Sharma in the house. दिखा दे। और रोहित भाई के लिए बनाने जा रहा हूँ मैं आज। रोहित भाई के लिए बनेगा बारबेक्यू चिकन टंगड़ी। तो ये आपको मैं रेसिपी अपनी पूरी आज दिखा रहा हूँ सबको। बड़ी मशहूर रेसिपी है इंडियन मसाला पिज्जा। इसमें लगेगा बहुत सारा घी, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, लाइव से हट जाऊंगा और फिर प्रोसीजर। अभी पहला प्रोसीजर ये है कि पिज्जा की सॉस बनेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने डाला है देसी घी। टू मेक अ पिज्जा आई एम पुटिंग देसी घी। दिस इज ऑल अबाउट पंजाबी मसाला पिज्जा। उसके बाद ये सारी चीजें आपको सुनने में वेयर्ड लगेंगी जो मैं यूज कर रहा हूँ एक पिज्जा में, जो कभी यूज नहीं होती, लेकिन आप घर बैठ के इसको ट्राई कीजिए और आप अच्छा पिज्जा बना सकते हैं ये वाला। तो आपको पसंद आया, नहीं तो पैसे वापस। तो हम डालेंगे इसमें जीरा। है इटालियन लोगों का, बट हम पंजाबी इसको अपने तरीके से बना रहे हैं। बिलो टू अगे सॉन्ग इज कमिंग सून और वीडियो का फर्स्ट कट आ चुका है और हम सबने फर्स्ट कट देखा। वीडियो बहुत कमाल लग रहा है बिलो टू अगे का। प्लीज बता दोगे 10 लोगों के लिए? ओके, ये इतना सारा जो पिज्जा बन रहा है 10 लोगों के लिए है, सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं। चलो अब आएगी प्याज की बारी। इसमें डालेंगे हम प्याज। और वो 10 पिज्जा का सामान है, इसमें 10 पिज्जा बन जाएंगे, पिज्जा सॉस बन जाएगी। हल्के हल्के गुलाबी हो जाएंगे ना, जब गुलाबी समझ रहे हैं ना आप गुलाबी हल्के हल्के जब प्याज गुलाबी हो जाएंगे, फिर हम डालेंगे हरी मिर्च। और भर भर के डालेगा इनमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये तो लाइटिंग आ रही है बिल्कुल बढ़िया आ रही है। गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट की बहुत खतरनाक स्मेल, बड़ी अच्छी स्मेल। फिर हम डालेंगे पीसी हुई काली मिर्च। ये पिज्जा बहुत स्पाइसी बनता है। ये सब मेरे को दिखा दो, इसको बार बार इतना इसको थोड़ा दिखाया जब पीछे कर लाने। ये जो जितने मसाले हैं और जो भी हरी मिर्च काली मिर्च लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सब टमाटो डालने से पहले डलेंगे। तो हमने हरी मिर्च डाल दी,
गरम मसाला डालेंगे। देन लाल मिर्ची, टमाटो टाइम। सारे टमाटर डालेंगे, तकरीबन 10 टमाटर है। कितने 10 टमाटर और प्याज कितने थे? 8 प्याज और 10 टमाटर बहुत है 10 पिज्जा के सॉस के लिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। टक करके ना, टक करके, टक टक। होमी भी आ रहा है, लिल गोलू भाई भी आ रहा है। लिल गोलू और उमेश भाई दोनों वेजिटेरियन हैं, ये लोग तो पिज्जा ही खाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी जी, जिसे बोलते हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार, ये यही बोलते थे ना। आपके साथ तो पिज्जा में दुबई के बाद हम बना रहे हैं। सेकंड टाइम, लास्ट टाइम दुबई कितने साल पहले? 6 साल पहले। फैंस पिज़्ज़ा का ना पार्सल मांग रहे हैं कमेंट में। चेक किधर पिज़्ज़ा का पार्सल? फैंस पार्सल मांग रहे हैं पिज़्ज़ा का। उनको ये है कि एक दिन जरूर सबको खिलाऊंगा पिज़्ज़ा अपने हाथों से बना हुआ। नहीं तो ये रेसिपी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी खुद बना सकते हैं इसको घर पे। बहुत आसान है। हल्के हल्के प्याज गुलने लग गए हैं, टमाटर गुलने लग गए हैं, तो इट्स टाइम फॉर द केचप। और केचप आप जितनी लोकल वाली जो केचप होती है वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई हैंड्स वैंड ना यूज़ करेंगे, बहुत टमाटो केचप। सॉस ऑलमोस्ट रेडी है, इसका नमक चेक करेंगे हम। नमक ठीक है, एक बार और चेक करेंगे नमक। क्यों भाजी जबरदस्त, एकदम मसाला नमक एकदम परफेक्ट है। अभी पिज्जा बेस सॉस को ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब ये ठंडा हो जाए, ठंडी हो जाएगी, फिर इसको पिज्जा पर डालेंगे और फिर ड्रेस करेंगे और फिर बेक करेंगे, तो कुक करेंगे। तो अब लाइव से साइन आउट करते हैं और जब मैं इसको दोबारा पिज्जे के ऊपर लगा के जब ओवन में डालूंगा तब मैं दोबारा लाइव होता हूँ। पिज्जा Subscribe now and press the bell icon and never miss an update from Oops TV.